30,000 यानी 30,000 के अंदर में कौन कौन से अच्छे गिम्बल हैं जो आपको यूज हो सकते हैं, आज का टॉपिक ये होने वाला है। कुछ लोगों के कमेंट थे कि सर हमको गिम्बल के बारे में बताइए, ऐसा कौन कौन सा गिम्बल है जो कि 30,000 के अंदर आते हैं और जिनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। तो आज मैं आपको ऐसे 5 गिम्बल बताऊंगा जो कि 30,000 के अंदर के रेंज में आते हैं और उनके परफॉर्मेंसेस काफी अच्छे हैं, जिनमें से कुछ गिम्बल मेरे पास यहाँ पर हैं ऑलरेडी। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कौन कौन से 5 ऐसे गिम्बल हैं जो कि 30,000 के अंदर हैं, इसको जानने से पहले ये समझते हैं कि गिम्बल किन किन चीजों के लिए यूज होता है। तो बेसिकली गिम्बल एक स्टेबलाइजर है और जिसका यूज वेडिंग एंड प्री वेडिंग या किसी भी प्रकार के वीडियो में स्टेबलाइजेशन के लिए यूज होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बहुत सारे लोगों को ये भ्रम होता है कि भैया ये जो गिम्बल है, ये हम कोई भी गिम्बल ले लें उसमें कोई भी लेंसेज यूज कर ले, ऐसा नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट मैटर ये करता है कि आप जो गिम्बल यूज कर रहे हैं उसमें आप कैमरा और लेंसेज कौन सा यूज कर रहे हैं, उसका पेलोड कितना है नहीं उसका भार कितना है। अब सपोज यहाँ पे जैसे मेरे पास ये कैमरा है सोनी का A7C और यहाँ पे लेंस है मेरे पास 24-70 2.8। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये काफी भारी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा भारी है, लेकिन ये बहुत मतलब एक आइडियल, इसका जो मैं बोलूंगा कि एक आइडियल वेट नहीं है। मुझे अगर मुझे शूट करने के लिए बोला जाए तो मैं बिल्कुल इस कॉम्बिनेशन के साथ शूट नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि वो ज्यादातर 24-70 24-105 इन लेंसेज के साथ गिम्बल में शूट करने की कोशिश करते हैं। शूट करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपका गिम्बल सेट भी हो जाता है, थोड़ा सा मेहनत लगता है, लेकिन आप उसमें मनचाहे शॉट्स नहीं निकाल पाएंगे। आप इतने वेट के साथ जो है ना उसको इजीली मूव नहीं कर पाएंगे गिम्बल को। तो याद रखिए जब भी आप गिम्बल लें तो आपको कोशिश ये करना है कि आपको लाइट वेट कैमरा एंड लाइट वेट लेंसेज यूज करने हैं। लेंसेज कौन कौन से यूज कर रहे हैं, कौन सा कैमरा यूज करना है, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो जरूर मैं इसके ऊपर एक बढ़िया वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आज हम गिम्बल के ऊपर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास 3 गिम्बल है अंडर 30,000। आप जब गिम्बल लें तो उसमें आपको क्या क्या चीज देखनी चाहिए मैं सारा डिटेल आपको बताऊंगा। यहाँ पे मेरे पास रॉनिन DJI रॉनिन SC है, मोजा एयर क्रॉस 2 है और मोजा एयर 2S है, मोजा 2S है। ये तीनों गिम्बल का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज मेरे चैनल में जाके वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अगर मैं इस गिम्बल की बात करूं, मोजा एयर 2S की बात करूं, ठीक है, तो ये एक हैवी वेट गिम्बल है, यानी इसका जो पेलोड है ये ज्यादा, इसकी प्राइसिंग भी ज्यादा है। आप जब गिम्बल लेने जाते हैं तब आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आता है कि भैया मैं कौन सा गिम्बल लूं। तो याद रखिए अगर आप कोई हैवी मिररलेस यूज कर रहे हैं, हैवी मिररलेस के साथ हैवी लेंसेज यूज कर रहे हैं, मान लीजिए कैनन 5D मार्क 4 यूज कर रहे हैं आज के डेट में भी, ठीक है, या आप सोनी का ही कोई बड़ी बॉडी यूज कर रहे हैं, लाइक आप FX6 यूज कर रहे हैं, उसमें लेंसेज भी आप हैवी यूज कर रहे हैं, तब आपको डेफिनेटली इस तरीके के गिम्बल की जरूरत पड़ेगी जो कि हैवी लोड लेता है। लेकिन अगर आप कोई छोटी बॉडी यूज कर रहे हैं जैसे A7 M3 के साथ आप 35mm यूज कर रहे हैं, या EOS R है आपके पास, सपोज EOS R के साथ आप 35mm यूज कर रहे हैं या 24mm यूज कर रहे हैं, सपोज आपके पास निकॉन का Z6 Mark II है या Z6 II है, Z7 है, इस तरीके के कैमरे हैं जो कि मिररलेस कैमरे हैं, उनके साथ आप कोई वाइड एंगल लेंस यूज कर रहे हैं जिसका पेलोड 2 किलो से कम है, तो डेफिनेटली आप, आज मैं आपको जो 5 डिफरेंट गिम्बल्स बताने जा रहा हूँ उनके साथ आप बहुत इजी वे पे अच्छा शूट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे गिम्बल नंबर 1 के साथ। दोस्तों मेरा फर्स्ट गिम्बल है जो कि मुझे काफी पसंद है और इसका मैंने प्रॉपर डिटेल रिव्यू वीडियो वगैरह सारा कुछ बनाया है, वो है मोजा एयर क्रॉस 2। मोजा एयर क्रॉस 2 एक बहुत ही बेहतरीन गिम्बल है। यहाँ पे अगर मैं इस गिम्बल के वेट की बात करूँ तो ये 1 किलो के आसपास इसका वेट है। टेस्टेड पेलोड जो है 3.2 kg है। टेस्टेड पेलोड का मतलब होता है कि 3.2 kg तक ये आराम से संभाल लेता है, बट मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप इतना वजन इसमें दें, आप कोशिश करें कि 1.5 से 2 किलो मैक्सिमम आपका वेट होना चाहिए आपके कैमरे एंड लेंसेज का, तो आपको ज्यादा मजा आएगा। बैटरी लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो 12 घंटे की इसकी बैटरी लाइफ है। फुल आप चार्ज करते हैं तो लगभग 1.5 से 2 घंटे में चार्ज रहता है, तो एक बार चार्ज करने के बाद ये 12 घंटे की इसकी बैटरी लाइफ है जो कि काफी अच्छी है। यानी कि आप अगर संगीत वगैरह यूज कर रहे हैं, संगीत में शूट कर रहे हैं, प्री वेडिंग में शूट कर रहे हैं, तो आपको बार बार चार्ज करने की जरूरत नहीं है।
ये गिम्बल काफी अच्छा आपको वर्क करके देता है। अगर इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो ये काफी अच्छा है। इसकी जो बॉडी है मेटल और गुड प्लास्टिक से बनी हुई है, यानी कुछ पार्ट इसके मेटल के हैं और कुछ गुड प्लास्टिक के हैं। तो मैं इसको तकरीबन 2 साल से यूज कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत अभी तक नहीं आया है। अब अगर मैं इसके कनेक्टिविटी की बात करूँ तो इसमें ब्लूटूथ 5.0 एंड वाईफाई सपोर्ट करता है ये। इसके अलावा मैनुअल फोकस और मैनुअल फोकस का मैट जो मोटर है वो भी अवेलेबल है इसमें, यानी यहाँ पे आप मोटर लगा के भी काफी अच्छा शूट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों मेरा मोजा एयर क्रॉस 2, ये था मेरा गिम्बल नंबर 1। अगर मैं बात करूँ इसके प्राइसिंग की तो मैंने इसके प्राइसिंग का जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, आप वहां से जाके इसकी सारे की प्राइसिंग चेक कर सकते हैं। सभी गिम्बल जो जो मैं बता रहा हूँ सबका मैंने लिंक है प्राइसिंग का एंड ऑल, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ मेरे गिम्बल नंबर 2 की, तो वो है DJI Ronin SC। इसका एक और मॉडल आया है DJI Ronin SC 2, बट वो 30,000 से महंगा है, मतलब 30,000 से उसका प्राइस जो है वो ऊपर है। तो अंडर 30,000 अगर मैं एक अच्छे गिम्बल की बात करूँ तो ये DJI Ronin SC काफ़ी जो है ट्रस्टेबल गिम्बल है, और इसके बारे में इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अगर मैं इस गिम्बल की बात करूँ तो देखने में काफ़ी इसका लुक जो है सेक्सी है, और ये भी हैवी प्लास्टिक और मेटल से बना हुआ है, यानी कि इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये तकरीबन 2.5 kg के आसपास पेलोड जो है वो लेता है, 2.5 kg, यानी कि आप, मैंने अगेन आपको बोला कि 2 किलो से ऊपर आप ना लें तो ज़्यादा बेटर है। इसमें इसका इंस्टॉलेशन काफ़ी इजी है, और DJI काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड भी है। ये भी 11 घंटे की बैटरी लाइफ है इसकी, एक बार चार्ज करने के बाद। इसको चार्ज करने के लिए लगभग आपको 2.5 घंटे इसको चार्जिंग करना होता है, और एक बार 2.5 घंटे आप इसको फुल चार्ज कर देते हैं तो ये 11 घंटे तक आराम से बैटरी लाइफ है इसकी, यानी इसमें भी आप एक दिन पूरा आराम से शूट कर सकते हैं प्री वेडिंग एंड जो भी आप शूट करना चाहते हैं। तो ये जो गिम्बल है ये भी 30,000 के अंदर काफ़ी अच्छा मुझे लगा, और इस गिम्बल को भी हम काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहे हैं, तो ये 2 गिम्बल जो हैं बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा अब मैं बात करता हूँ गिम्बल नंबर 3। गिम्बल नंबर 3 है ज्यून क्रेन का वीबिल एस। आज के रेट में एट द टाइम मेरे पास ये गिम्बल नहीं है, मैंने ये गिम्बल लिया था बट मैंने इसको सेल कर दिया था। गिम्बल को सेल करने के पीछे का रीजन ये था कि जब ये गिम्बल मैंने लिया था उसके जस्ट बाद मोजा एयर क्रॉस 2 आया था, और ये गिम्बल मुझे उससे थोड़ा बेटर लगा था। ज्यून वीबिल एस जो है काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, जिनके पास भी लाइट वेट कैमरा है वो काफ़ी अच्छे तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। उसकी खासियत ये है कि उसमें अलग अलग एंगल से आप शूट कर सकते हैं, ऊपर भी एक हैंडल आप लगा सकते हैं, नीचे एक हैंडल तो ऑलरेडी लगते ही लगता है। काफ़ी कॉम्पैक्ट है वो, अगर आप ट्रैवल करते हैं तो काफ़ी लाइट वेट गिम्बल है और काफ़ी कॉम्पैक्ट है। उसकी बॉडी भी अगर मैं बोलूँ तो मेटल और गुड प्लास्टिक से, जितने भी गिम्बल मैं बता रहा हूँ सभी की बॉडी मेटल एंड गुड प्लास्टिक से मिलकर के बनी हुई है, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं उसके पेलोड की बात करूँ तो 3.5 kg का पेलोड ज्यून वीबिल एस बोलता है, बट लिटरली अगर मैं बताऊँ तो मुझे वो जो गिम्बल था उसमें 3.5 kg का पेलोड समझ में नहीं आया, उसमें भी मुझे 2 से 2.5 किलो तक का पेलोड ईजिली वो गिम्बल ले लेता था, और काफ़ी अच्छे से उसमें भी जो मोड्स हैं उनको यूज़ कर सकते थे। आप 360 वगैरह उसमें काफ़ी अच्छा दिया हुआ है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप एक कॉम्पैक्ट गिम्बल देख रहे हैं तो आप ज्यून क्रेन वीबिल एस के साथ जा सकते हैं, बट अगर मैं इन तीनों की बात करूँ, इन तीनों में अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे इन तीनों में 2 गिम्बल जो है ये ज़्यादा बेटर लगते हैं, एक मोजा एयर क्रॉस 2 और दूसरा DJI Ronin SC। ये 2 गिम्बल ज़्यादा मुझे बेटर लगते हैं, बट अंडर 30,000 में मुझे 5 आपको गिम्बल बताना है जो कि आप परचेस कर सकते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया। आइए हम बात करते हैं गिम्बल नंबर 4 की। तो हमारा गिम्बल नंबर 4 है ज्यून क्रेन 2। काफ़ी फेमस हुआ गिम्बल, बहुत सारे लोग उसको यूज़ करते हैं। ज्यून क्रेन 2 भी बहुत ही एक ट्रस्टेड गिम्बल अभी तक का रहा है, और ये गिम्बल भी आपको 30,000 के अंदर आ जाएगा। इसका पेलोड भी 3.5 kg के आसपास है। गिम्बल थोड़ा हैवी है, पकड़ने में थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है। तो इसकी अगर मैं ग्रिप की बात करूँ तो ग्रिप मुझे इन दोनों का बहुत सही लगता है, इनका ग्रिप बहुत ही कमाल का है। मेरे पास ज्यून क्रेन 2 नहीं है, बट मैंने ज्यून क्रेन 2 यूज़ किया है दूसरे मेरे स्टूडेंट्स का, तो वो गिम्बल भी काफ़ी ट्रस्टेड है। उसमें जो मोड है और उसमें जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपको एक थोड़ा हैवी लुक वाला गिम्बल चाहिए तो ज्यून क्रेन 2 के साथ आप जा सकते हैं। बाकी स्पेसिफिकेशन इनके जैसे ही हैं, और प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो प्राइसिंग मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से एक बार चेक कर सकते हैं। एंड आइए हम बात करते हैं हमारे 5th नंबर एंड फाइनल गिम्बल की,
जो कि मैंने यूज नहीं किया है अभी तक। ये नई कंपनी का है, कंपनी पुरानी है लेकिन इसके गिम्बल मैंने यूज नहीं किए हैं, लेकिन जब मैं सर्च कर रहा था तो मुझे ये दिखाई दिया। और कुछ कुछ लोगों ने मुझे इसके बारे में पूछा है कि सर ई इमेज का ये जो गिम्बल है इसका नाम है ई इमेज होराइजन 1। ये अगर इसके स्पेसिफिकेशन को आप पढ़ते हैं तो आपको शायद देखने को मिलेगा कि ये जो है थोड़ा सा हैवी है, 1.5 केजी का ये गिम्बल है, यानी थोड़ा सा हैवी गिम्बल है। इस इनके अलावा एज कम्पेयर मोज़ेर क्रॉस 2 और इसके थोड़ा सा ये हैवी है, आधा किलो के आसपास का वजन इसका ज़्यादा है। और इसका पेलोड भी थोड़ा ज़्यादा है, 3.6 केजी तक का ये पेलोड यूज ले सकता है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, थोड़ा सा हैवी वेट जो है ये ले सकता है, ऐसा इन ये लिखते हैं। बाकी मैंने एट द टाइम ये गिम्बल यूज़ नहीं किया है, सो अंडर 30,000 मुझे गिम्बल जो आपको बताना था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, कि प्राइसिंग के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर आप में से किसी के पास ये गिम्बल होगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसका परफॉर्मेंस कैसा है ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये था हमारा गिम्बल नंबर 5 ई इमेज का होराइजन 1, और इस ये थोड़ा सा हैवी वेट तक को सपोर्ट करता है ऐसा इनके स्पेसिफिकेशन में ये बोलता है। इसके अलावा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और वाईफाई ये सब ये सारे गिम्बल में है आज के रेट में, मतलब ऑलमोस्ट जो फीचर्स हैं वो सारे गिम्बल के एक ही हैं, लेकिन ट्रस्ट किसके ऊपर आपका बैठता है ये डिपेंड करता है। तो अगर मैं अपने ट्रस्ट की बात करूँ तो मुझे ये दो काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड लगते हैं, एक मोज़ा और दूसरा है DJI। तो मोज़ा मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास दो गिम्बल मोज़ा के हैं और DJI का फिलहाल यहाँ पे एक गिम्बल है। तो हमारे पास ऐसे 3-4 गिम्बल हैं, हमारी जब टीम जाती है अलग अलग जो लोग जब जाते हैं तो अलग अलग गिम्बल लेकर के जाते हैं, ये तीनों चारों गिम्बल के साथ हम काफ़ी कंफर्टेबल हैं। तो अगर आपको आप देख रहे हैं अंडर 30,000 बेस्ट गिम्बल अगर आप मेरे हिसाब से पूछेंगे तो आप इन दो गिम्बल के साथ जा सकते हैं, एक है मोज़ा एयर क्रॉस 2 और दूसरा है DJI रोनिन SC। अब इससे जो थोड़े हैवी गिम्बल हैं जो कि 40-50,000 के रेंज में हैं, जैसे कि ये है, तो ये गिम्बल थोड़ा हैवी वेट है, जब हमको हैवी वेट कैमरे और हैवी वेट लेंसेज लगाने होते हैं तो हम इनका यूज़ करते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम टाइम में हम लाइट वेट गिम्बल, लाइट वेट कैमरा, लाइट वेट लेंसेज के साथ काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। फिलहाल यहाँ पे इतना ही, आपको मैंने बता दिया कि ये 5 गिम्बल हैं, सारे गिम्बल्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने अभी तक मेरे ऑनलाइन कोर्सेज को नहीं देखा है तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को देखने के लिए मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं school.rajaavasthi.com, या फिर आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से राजा अवस्थी एकेडमी के नाम से। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो RajaAvasthi007 और school.rajaavasthi, ये दोनों मेरे इंस्टाग्राम ID है, यहाँ पर जाकर आप फॉलो कर सकते हैं और हमारे लेटेस्ट अपकमिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्कशॉप के बारे में डिटेल जान सकते हैं, साथ ही साथ आप मेरा वर्क भी देख सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, आज का यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग राजा अवस्थी, साइनिंग ऑफ।